न्यूज पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा भारत की आबादी से जुड़ा है, जो 8 अरब लोगों की दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई। भारत ने अब आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड डेटा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत 142,86,00,000 जनसंख्या के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। यूएन के आंकड़ों में चीन की आबादी 142,57,00,000 है, जबकि भारत की आबादी उससे करीब 29,00,000 ज्यादा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र 1950 से दुनिया में आबादी से जुड़ा डेटा जारी करता आ रहा है। ये पहला मौका है जब भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ा है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 25% आबादी 0 से 14 साल, 18% 10 से 19 साल और 26% आबादी 10 से 24 साल की उम्र के बीच है। भारत की 68% आबादी 15 से 64 साल की उम्र के बीच है, जबकि 7% लोग 65 साल से अधिक उम्र वाले हैं। तमाम एजेंसियों का अनुमान है कि भारत की जनसंख्या अगले 3 दशकों तक बढ़ेगी और 165 करोड़ के पीक पर पहुंचने के बाद कम होना शुरू होगी। जानकारों का मानना है कि भारत में केरल और पंजाब में बुजुर्ग लोगों की आबादी ज्यादा है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में युवा आबादी ज्यादा है। जानकार मानते हैं कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए बड़ा मौका है। भारत में जहां 25 करोड़ से ज्यादा लोग 15 से 24 साल के हैं, तो वहीं सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाले चीन में करीब 20 करोड़ लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन में लोगों की औसत उम्र भारत से बेहतर है। चीन में पुरुषों की औसत उम्र 76 साल और महिलाओं की औसत उम्र 82 साल है। वहीं भारत में पुरुषों की औसत उम्र 71 साल और महिलाओं की औसत उम्र 74 साल है। इंडिया की पॉपुलेशन में 630 मिलियन तो यंग लोग हैं बिलो एज 29, जो बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए, बट वी नीड टू स्किल देम, नॉट ओनली इंडिया। देखिए, अगर आप इंडिया में पॉपुलेशन हम पहली स्थिति में आ गए हैं, पर वर्ल्ड में चाइना हो, जापान हो, कोरिया, नॉर्थ कोरिया एज वेल एज यूरोप में आप देखेंगे कि माइनस ग्रोथ रेट्स हो रहे हैं, उनको चिंता है, ये विषय उनके लिए बहुत चिंताजनक है। तो हम अगर अपने लोगों को स्किल करें, हम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, हम वर्ल्ड को स्किल वर्कर्स सप्लाई कर सकते हैं, जो इंडिया के लिए, इंडिया की सॉफ्ट पावर के लिए रेमिटेंसेस आती हैं जब इंडियंस बाहर जाते हैं और पैसा कमाते हैं। इंडियन यूथ का फ्यूचर सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। बधाई देंगे आप आबादी में आगे निकल गए सबसे आगे। देखिए, ये जो जनसंख्या का विस्फोट होने वाला है ना, ये बहुत ही खतरनाक होने वाला। क्या होने वाला, आप तो सबसे आगे हम। देखिए, उसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो खतरनाक है और इस तरह का जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए जिससे देश की तरक्की हो। अगर वो इसी तरह विस्फोट होता रहे, और हमारे यहाँ देश में तो एक सराय है, ये कोई भी आता है बांग्लादेश से आते हैं तो बांग्लादेशी बस जाते हैं, कोई अफगानिस्तान से आ गया तो अफगानिस्तान से बस गया, कोई पाकिस्तान से आ गया तो पाकिस्तान से बस गया। तो कहने का मतलब ये और जनसंख्या को विस्फोट कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी गिनती नहीं है वो और ज्यादा विस्फोट। क्या करना पड़ेगा, जितनी आबादी है हमारी रजिस्टर्ड है, उनके पास एंट्री कार्ड है, सब कुछ है, उसी के वही आंकड़े गिने जाते हैं, बाकी जो रह रहे हैं उनको नहीं गिन रहे हैं, उसमें भी हम आगे हैं, क्या इसका असर पड़ेगा? चाइना को हराने में हम कामयाब रहे चाहे किसी मामले में रहे, पर चाइना को हमने आखिरकार जनसंख्या के माध्यम से हरा ही दिया। तक ये हाई टाइम है कि जब बिल आ ही जाना चाहिए जनसंख्या कानून को लेकर। सर, बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया, ये बिल जो है 1960-61-70 के अंदर में आ जाना चाहिए थे। आप जाओ ट्रेन में भीड़, प्लेन में भीड़, मेट्रो में भीड़, जहां भी जाओ वहां भी भीड़ मिलेगा आपको। आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आप ये बंगाली मार्केट है सामने, इतनी बड़ी मार्केट में जाओ, क्या टिकट कंफर्म नहीं होते लोगों के, सीट नहीं मिलती। वही तो कह रहा हूँ भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रेन में भीड़, प्लेन में भीड़, मेट्रो में भीड़, कहीं भी जाओ आपको टिकट नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा, ना बैठने की, नहीं उठने की, सोने की। आपको पानी आने वाला समय पानी तक नहीं मिलेगा पीने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, एक सर मैं एक उदाहरण बताना चाह रहा हूँ, आपने बंगाली मार्केट जाओ, पता नहीं चलते इतने बड़े सोसाइटी एरिया में जो लोग रह रहे हैं, आप ये झुग्गी झोपड़ी में चल जाओ, तिरपाल टांगे में जाकर देखोगे कि घर में 20-20 बच्चे मिलेंगे आपको, क्यों? ऐसी तस्वीरें और ज्यादा बढ़ेंगी। भारत की आबादी चीन की आबादी से भी ज्यादा हो गई है, मतलब हम दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं आबादी के मामले में। कोई फायदा देखते हैं आप या कुछ नुकसान देखते हैं इस बात से?
इसमें नुकसान है। देखिए लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है देश के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को एजुकेशन का मौका नहीं मिल पा रहा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, लोग अपने बच्चों का खर्चा नहीं उठा पा रहे। यहाँ पे दो बच्चों का खर्चा उठाना मुश्किल पड़ जाता है एक फैमिली के लिए, और कई ऐसी फैमिली है जिसमें 4, 5, 6 पता नहीं कितने ही बच्चे हैं। तो इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए जिससे कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो सके।